हेलो फ्रेंड्स, एसक्यूएल के सेकंड चैप्टर में आगे कंटिन्यू करना है हमने। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल क्या होता है जो यूज़र से वैल्यू इनपुट कराता है। ये दो तरह का सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल होता है, राइट? कैसे, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स ये होते हैं। सिंगल एम्परसेंट से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सिंगल एम्परसेंट एंड डबल एम्परसेंट यूज़ करके, राइट? ओके, इनको हम कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। वेयर कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम एक्सप्रेशन में, टेबल नेम में एंड एंटायर सेलेक्ट स्टेटमेंट में। इन सब की जगह हम एम्परसेंट के यूज़ करेंगे, ठीक है? क्यों यूज़ करेंगे? सो दैट कि हमें एक कमांड को मल्टीपल टेबल पे एक्सेस मिल जाए, उसके थ्रू हम मल्टीपल टेबल को एक्सेस कर सकें। ओके, वो कैसे करेंगे हम, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे एक कमांड राइट कर रहा हूँ, सेलेक्ट एम्परसेंट, फर्स्ट लिखा मैंने, सेकंड लिखा मैंने एंड एम्परसेंट, थर्ड लिखा। उसके बाद मैंने फ्रॉम एम्परसेंट tab_name, ये मैंने जस्ट कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं इनके साथ, एम्परसेंट के साथ। देखते हैं जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है। देखिए, जहाँ जब मैं इसको एंटर करके एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू, मतलब जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है वहाँ पे कौन सा कॉलम आप रिट्रीव करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे वहाँ पे इस कोड की EMP टेबल का ईनेम वाला कॉलम आए, सेकंड में मुझे सैलरी आ जाए और थर्ड में मुझे जॉब आ जाए। ये डाटा मैंने कौन से टेबल से एक्सेस कर रहा हूँ, टीवी नेम मतलब टेबल नेम, कौन से टेबल से ये डाटा मुझे एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ टेबल का नाम दूंगा EMP टेबल। देखिए, हमारे पास वो रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गया। ओके दोस्तों, ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सके, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एम्परसेंट को। ओके, सेम कमांड अगर मैं अपनी किसी और टेबल पे रन करने की कोशिश करूँ तो वो भी चल जाएगी। कैसे, मैं इसको री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश जब भी हम कहीं लगाते हैं तो वो लास्ट वाली कमांड को री एग्जीक्यूट कर देता है हमारी। ओके, तो एंटर करेंगे तो वो पूछ रहे हैं एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट। मैंने कहा मुझे डी नेम चाहिए यहाँ पे, सेकंड में मुझे लोकेशन चाहिए एंड थर्ड में मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, राइट? कौन से टेबल से चाहिए मुझे, स्कॉट की डेप टेबल से। दैट मीन्स हमें स्कॉट की डेप टेबल का रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे हमें बार बार क्वेरी को राइट नहीं करना पड़ेगा और हमारा एक ही क्वेरी से सारा डाटा एक्सेस होता रहेगा। किसी भी टेबल में हम इस क्वेरी को रन कर सकते हैं, राइट? तो ये था दोस्तों हमारा सिंगल एम्परसेंट। डबल एम्परसेंट करते हैं, कैसे करना है। डबल एम्परसेंट भी बस सेम ही है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे डबल मैंने एम्परसेंट लगाया, थर्ड फ्रॉम टीबी टैब के साथ टैब अंडरस्कोर नेम लिखा मैंने। सिर्फ मैंने डबल एम्परसेंट लगाया थर्ड वाले कॉलम के ऊपर। जब मैंने थर्ड वाले कॉलम के ऊपर डबल एम्परसेंट लगाया तो दैट मीन्स क्या होना है, जब मैं ये हमसे थर्ड वाले कॉलम की वैल्यू सिर्फ वन टाइम पूछेगा, एक बार पूछेगा, सेकंड टाइम जब आप इसी कमांड को रन करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी जो आपने फर्स्ट टाइम आपसे पूछी थी। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में मैंने डाल दिया ई नेम, सेकेंड में मैंने डाल दिया जॉब एंड थर्ड में मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट नंबर, राइट? कौन सी टेबल से डाटा है ये हमारा, EMP टेबल से। देखिए, यहाँ पर उसने हमें डाटा दिया, इट मीन्स इसने हमसे तीनों कॉलम की वैल्यू पूछी थी। देखिए, सेकंड टाइम मैं इसको रन कर रहा हूँ तो सेकंड टाइम क्या करेगा ये, फर्स्ट की वैल्यू मैंने कहा मुझे, मैंने डी नेम दे दिया, सेकंड में मैंने सैलरी दे दिया। जब मैं एंटर करूँगा थर्ड की वैल्यू पूछनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने डबल एम्परसेंट यूज़ किया है तो वो थर्ड की वैल्यू हमसे नहीं पूछेगा। दैट में एंटर करेंगे तो देखिए डायरेक्टली वो टेबल नेम पूछ रहा है। टेबल नेम अगर मैंने यहाँ पे डी नेम और सैलरी दोनों कॉलम किसी एक पर्टिकुलर टेबल में नहीं है तो एरर आ जाएगा। देखिए, सेल इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि वो सैलरी वाला कॉलम हमारे डेप टेबल के अंदर नहीं है। सेकंड टाइम मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने डी नेम दिया और यहाँ पे मैंने लोकेशन दिया एंड यहाँ पे डेप टेबल का नाम दिया। देखिए, सॉरी, DEPT था, डी नेम डेप्ट एंड
सॉरी सॉरी सॉरी, डी नेम एंड लोकेशन, टेबल का नाम डेप्ट, दिस। देखिए डाटा हमारे सामने आ गया। ओके, ऐसे हम दोनों एम्परसेंड को यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों।